नमस्कार दोस्तों, इनकी वर्तमान आयु 24 साल है और दो तीन मेजर क्वेश्चन है। एक तो ये वर्तमान समय में जो जॉब कर रहे हैं उससे ये सेटिस्फाइड नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, ये चेंज भी कर सकते हैं। और सेकंड सब्जेक्ट है, इनको पेरेंट्स के साथ रहना है और वहाँ पर अच्छी तनख्वाह मिले। अब इनके पेरेंट कहाँ रहते हैं वो पता नहीं, पर पेरेंट के साथ रहना है। मैंने कई वीडियो में आप लोगों को कहा है, अगर गुरु पर्वत आपका स्ट्रांग नहीं है, है ओवरऑल अच्छा गुरु पर्वत पर छोटा है, तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं परिवार से दूर ही लेकर जाता है। और ये छोटी उम्र में ही परिवार से दूर रह रहे और ये जीवन भर परिवार से दूर रखता है। तो ये जो सपना है इनका पूरा होते हुए दिखता नहीं, इनको परिवार से दूर ही रहना पड़ेगा, चांसेस काफ़ी बढ़ जाते। हाँ, थोड़े से उपाय करने पर हो सकता है थोड़ा सा लाभ मिले, पर मेजोरिटी इनके पाम में इसी तरह का गुरु पर्वत है, ये व्यक्ति को परिवार से दूर रखता है। ओवरऑल अच्छा है, यानी पारिवारिक समस्या या सांसारिक समस्या व्यक्ति को डिस्टर्ब नहीं करती। सेकेंड क्वेश्चन है इनका, ये IAS या जो सिविल सर्विस होती है परीक्षा, उसकी तैयारी करना चाहते हैं पर इनको डर लगता है, रिस्क लेने से डर रहे। आपके पाम में जिस तरह के संकेत दिख रहे हैं, मैं आपको डराना नहीं चाह रहा, जो दिख रहा है वो बता रहा हूँ। आपका पाम पो ओवरऑल काफ़ी अच्छा है, एक रेखा जरूर ये जा रही है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि व्यक्ति IAS बन जाए या सरकारी पोस्ट मिल जाए। ये व्यक्ति को कभी कभी ससुराल का लाभ भी दिलाती है, पैसे वाले ससुराल का लाभ भी। और घर में कोई सरकारी इनकम वाला व्यक्ति होता है या पॉलिटिकल इनकम होती है तो भी इस तरह की रेखा व्यक्ति के हाथ में होती है। एक तो चीज ये हो गई, दूसरी वस्तु आपके पाम में राहु रेखाएं है। जब किसी सरकारी व्यक्ति के हाथ में राहु रेखाएं होती है तो मैं काफ़ी डर जाता हूँ, क्योंकि एक ऐसा जॉब है जिसमें कलंक लगने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहता है, काफ़ी ज़्यादा। तो एक तो राहु रेखा है आपके जीवन को डिस्टर्ब करेगी बीच बीच में, तो मैं नहीं चाहता कि आप इन सारी झंझटों से फेस करो। और दूसरा, आपके हाथ पर मैंने बहुत सारा 10 से 15 मिनट आपके सारे क्लोजअप देखने में कोशिश की, आपके हाथ में एक यव साइन बनी हुई है माइंड लाइन पर, और ये दूसरी भी यव साइन है पर ये ओपन है, पर ये यव साइन जो 3 साल 4 साल का पीरियड है ये आपके लिए तकलीफ वाला क्रिएट करेगा। और ये पीरियड होगा उम्र लगभग 28 से लेके 32 तक का, ये अंदाजित साल है, एक साल प्लस या माइनस आप ऊपर नीचे गिन सकते हो। ये जब साइन आती है तो व्यक्ति का सारा कार्य अपसेट होता है। अभी वर्तमान समय में आपके साथ कोई ऐसी बड़ी भूमिका या बड़ा कोई मतभेद नहीं चल रहा है, आप चाहो तो आराम से अपने जीवन की जॉब चेंज कर सकते हो, कोई टेंस वाला मामला नहीं है वर्तमान समय में। पर ये यव साइन आपको आगे चलकर डिस्टर्ब करने वाला है कम से कम 3 से 4 साल। तो ये एक मैं आपको कहूँगा भी नहीं कि आप बिजनेस करिए, आप हाँ बिजनेस का टाइमिंग मैं फेट लाइन पर आपको बताऊँगा, उसके बाद बिजनेस में आगे बढ़ना। हाँ, रहा सवाल पैसे का, तो पैसा भरपूर आप कमाने वाले हो, पर बीच बीच में जीवन में बाधाएं भी है, वो बाधाएं भी मैं बताऊंगा। और ओवरऑल देखा जाए तो पूरा रिजल्ट जब जीवन का निकालोगे तो अच्छे खासे संपन्न अभी भी होंगे और आगे जाके और संपन्नता पाने वाले हो। पर जैसे जीवन के मोड़ में कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के रुकावट आती है, वैसे आपके हाथ में भी रुकावटें दिख रही है। अब जब एनालिसिस पूरा हो जाएगा तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी, पर डरने की आवश्यकता नहीं है, ओवरऑल काफ़ी पाम पॉजिटिव पाम है। अभी इस पाम को देखें तो ये एक बुद्धिजीवी टाइप के व्यक्ति जो रहते हैं, जैसे प्रोफेशनल हुए, अब आप भी IT सेक्टर में ही हो, डॉक्टर हुए, इंजीनियर हुए, वो जिस तरह से लाइफस्टाइल होती है, नॉर्मल अपने आप में रहना, धीरे धीरे आगे बढ़ना, खुलकर किसी के सामने आना नहीं, ये टाइप की जो मानसिकता होती है
बुद्धिजीवी वर्ग का ये पाम है, रेक्टेंगल शेप है, तो व्यक्ति काफ़ी बैठे बैठे कार्य करता है या बोलकर कार्य करता है अपने जीवन में। यहाँ पर एक अच्छी सी रेखा बनी हुई है, तो व्यक्ति समझदार भी होता है और समझदारी पूर्वक जीवन का निर्वाह अच्छा करता है। थोड़ा सा स्पेस भी यहाँ ज़्यादा मिला है, तो ये भी संपन्नता की ओर इशारा करता है, व्यक्ति आम लोगों से ज़्यादा संपन्न होता है। आपका फर्स्ट फैलेंज काफ़ी बड़ा है, पर कहीं ना कहीं नोक, उसकी जो नोक होती है वो कमज़ोर है, तो व्यक्ति का ध्यान इधर उधर भटकता भी है। जैसे आपका अच्छी खासी जॉब पर हो, फिर भी ध्यान आपका भटक रहा है आईएएस बनने की ओर या गवर्नमेंट जॉब की ओर। सेकेंड फैलेंज आपका बहुत छोटा है, तो लॉजिक के साथ बात बताने में आपके जीवन में बहुत बड़ी कमजोरी होगी। आप जिद तो अच्छा रख देते हो, बहुत लोगों के हाथ में अंगूठा अच्छा होता है, फर्स्ट फैलेंज काफ़ी बेटर होने के बावजूद अगर सेकेंड फैलेंज अच्छा नहीं है, तो आपने जिद तो कर ली पर उस जिद को किसी के सामने आपको समझाना है, तो समझाने में व्यक्ति कमज़ोर पड़ता है, ये एक माइनस पॉइंट। सेकेंड यहाँ पर देखें तो पैडिंग कम है, तो पैडिंग जब कम होती है तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर व्यक्ति का बनता है। आपकी उंगली आप बड़ी है तो एनालिटिक पर्सनालिटी होगी, फर्स्ट फैलेंज काफ़ी बड़े है तो बहुत ज़्यादा सोचते होंगे आप, बहुत ज़्यादा, और जो व्यक्ति ज़्यादा सोचता है वो व्यक्ति जीवन में थोड़ा सा स्लो भी होता है, उसके निर्णय जो होते वो स्लो होते। सूर्य की और गुरु की उंगली सेम है और छोटी उंगली अच्छी खासी फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही है, तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट, अकाउंट्स, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। आपका हाथ काफ़ी अच्छा गुलाबी है, तो समृद्धि आपके जीवन में काफ़ी अच्छी होगी, और दूसरी भी साइन है समृद्धि की, ये एक बनने वाले तीन शुक्र वलय आपके हाथ में, और तीनों अर्ध है, पूरे नहीं है, तो मूड स्विंग का प्रॉब्लम प्रबल रहता होगा आपको, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग का प्रॉब्लम आपके जीवन में आप फेस करते होंगे और ये जीवन भर फेस करना पड़ेगा, पर यही अर्ध शुक्र वलय आपको औरों से अलग भी करते हैं। आपके जन्म के बाद परिवार अच्छा खासा संपन्न बना होगा और ये संपन्नता भी आपको कंटिन्यू दिलाएंगे। बुध पर्वत देखे तो नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा उभार भी नहीं, और आपके ओवरऑल पाम को देखे तो सारे ग्रह मान नॉर्मल ही है, यानी बुद्धिजीवी व्यक्तित्व की ओर इशारा करता है, पर ओवरऑल उठाव अच्छा है, तो व्यक्ति की वाणी अच्छी होती है, दिखने में व्यक्ति सुंदर होता है, बिजनेस की सेंस भी व्यक्ति में अच्छी खासी होती है। बिजनेस की सेंस तो आपके इन फैलेंजेसों भी पता चलती है कि आप बिजनेस माइंडेड अच्छे खासे हो। अब सूर्य पर्वत पर देखे, क्लोजअप में मैं दिखाऊँगा, यहाँ पर तीन ट्रायंगल बने और स्ट्रांग सूर्य रेखा नहीं है। जब तीन ट्रायंगल व्यक्ति के बनते हैं तो व्यक्ति लगभग मन की इच्छाएं सारी पूरी होती है और आम लोगों से ज़्यादा संपन्न व्यक्ति होता है, और जब स्ट्रांग सूर्य रेखा नहीं होती तो व्यक्ति को बेसिक सफलता बहुत इजीली जीवन में प्राप्त होती है। और एक मल्टीपल प्रॉपर्टी की साइन भी बनी हुई है, तो जीवन में एक से अधिक प्रॉपर्टियाँ आप खरीदोगे या निर्माण करोगे। इसी वलयों के कारण यहाँ बड़े बड़े स्क्वायर बन रहे चार, ये आपको पुश्तैनी जमीन जायदाद का लाभ देंगे। आपके पास पुश्तैनी जमीन जायदाद अच्छी खासी जीवन में लाभ मिलने वाला आपको। एक रेखा आपकी गुरु पर्वत की ओर जा रही है, तो ये व्यक्ति को पॉलिटिकल लाभ, सरकारी लाभ, या ससुराल पैसे वाला, या खाने का शौकीन, उस तरफ इशारा जाता है। एक रेखा आपकी जो मेन फेट लाइन है वो कंप्लीट सूर्य पर्वत की ओर देख रही है, तो विदेश से धन प्राप्ति के भी योग आपके जीवन में है, और आप जिस प्रोफेशन में हो उसमें विदेश से धन प्राप्ति के योग लगभग सभी के पास होते हैं। आईटी प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके अंदर ईजीली विदेश से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। ये रेखा आपको भविष्य में रेंटेड इनकम की ओर इशारा करती है,
और मनी रिसीविंग एंटेना भी बने हुए, तो ज़्यादा धन आपको रिसीव करके आपके जीवन में डालेंगे। और कंटिन्यू रेखाएं बनी हुई है, तो आपके जीवन में कंटिन्यू धन प्राप्ति की, बुढ़ापे तक धन प्राप्ति होती रहेगी। गुरु पर्वत जैसे मैंने शुरुआत में जिक्र किया, बहुत छोटा है, तो आपको है ओवरऑल उभार, यानी आपको पारिवारिक सांसारिक समस्याएं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगी, पर परिवार से दूर रहने का व्यक्ति को ये पर्वत दूर लेकर जाता है। और आप 24 साल की उम्र में भी पढ़ाई के लिए भी हो सकता है आप बाहर गए हो, और जॉब के लिए भी आपको परिवार से दूर रहना पड़ रहा है, तो ये जो सपना है आपका गुरु पर्वत पूरा करते हुए दिख नहीं रहा है। और यहाँ पर देखें तो एक छोटा सा स्क्वायर भी बना हुआ है। ये व्यक्ति को 32 साल के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी खरीदता है और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर पहुँचता है। और यहाँ पर एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, मल्टीपल इनकम के सोर्स आपके जीवन में क्रिएट होंगे। और स्क्वायर 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन दिलाता है, प्लस बोलने के कार्य में भी व्यक्ति महारत हासिल करता है। अंदरूनी मंगल मध्यम है, बहुत ज़्यादा उभार नहीं है, तो शरीर की एनर्जी मध्यम टाइप की होगी, और उस पर बहुत सारी रेखाएं। ये जब रेखाएं होती है तो व्यक्ति चिंतित स्वभाव का होता है। अभी वर्तमान समय में ऐसी कोई मेजर चिंता आपके हाथ में दिख नहीं रही है, फिर भी ये रेखाएं है तो व्यक्ति हमेशा चिंतित रहता है। छोटी छोटी चीज़ों में उसको चिंता सताती है, आज अच्छा है, कल खराब हुआ, तो कल कुछ खराब हुआ तो और ज़्यादा खराब हो गया, तो इस तरह का जो भाव आता है ये इन रेखाओं के कारण आता है। छोटी छोटी चीज़ों को तिड़का ताल बनाने की आदत बन जाती है जब ये रेखाएं होती है तो। और इसका इलाज है मेडिटेशन और भोलेनाथ के मंदिर पर जल चढ़ाना। अब चलते हैं भारी मंगल। भारी मंगल काफ़ी मध्यम टाइप का है, तो बहुत चेक करते होंगे सामने वाला व्यक्ति भरोसे लायक है कि नहीं, और फिर आगे बढ़ते होंगे, इस तरह की मानसिकता आपकी होगी। हाँ, चंद्र पर्वत थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, और उस पर रेखा चंद्र पर्वत की ओर जा रही है, तो विदेश में आने जाने के भी योग बनेंगे, और आपकी जीवन रेखा को भी देखें तो थोड़ी सी चंद्र पर्वत की ओर टच कर रही है। हो ना हो भविष्य में आप विदेश में भी सेटल हो सकते हो, क्योंकि एक लाइन यहाँ पर भी बनी है, तो ये व्यक्ति को विदेश में सेटल करवाती है या आने जाने का अवसर देती है। तो मेरे हिसाब से जिस तरह से आपकी फेट लाइन सूर्य पर्वत की ओर जा रही है, आप विदेश में भी सेटल हो सकते हो भविष्य में। और चंद्र पर्वत अच्छा होता है तो व्यक्ति विदेश में सेटल होता ही है, यानी मौके उनको जीवन में मिलते। दूसरी चीज़ देखें तो आपके हाथ में एक एडिक्शन लाइन भी बनी है। ये लाइन, मैं ये नहीं कहता हूँ कि व्यक्ति ड्रग्स लेना चालू कर देता, ये लाइन के कारण व्यक्ति को एक खालीपन महसूस होता है, उस खालीपन को भरने के लिए कोई ना कोई व्यसन ले करता है, चाहे चाय पीता है, कॉफ़ी पीता है, या दवाई का सहारा लेता है, या धर्म का सहारा लेता है, कोई ना कोई उस तरह का सहारा लेने की कोशिश करता है उस खालीपन को भरने के लिए। ये एक माइनस पॉइंट है आपके हाथ में। दूसरी चीज़ देखें तो बहुत बड़ा मनी ट्रायंगल आपके हाथ में बना हुआ है, और बहुत ज़्यादा बड़ा है, यानी संपत्ति तो आपके पास अच्छी खासी आएगी और अच्छा खासा धन कमाओगे, कलर भी अच्छा है और ग्रेटर ट्रायंगल भी बन रहा है, तो लक्षण काफ़ी अच्छे आपके पैसा कमाने के, तो पैसा तो भरपूर आपके जीवन में बहुत बड़ा रोल रहेगा पैसे का, पैसे की कहीं भी कोई चिंता दिख नहीं रही है। अच्छी खासी इनकम भी आएगी और अच्छे खासे संपन्न बनोगे, और ऑलरेडी संपन्न होंगे भी। शुक्र पर्वत भी एक गेंद की तरह है, बढ़िया सा क्रिकेट की गेंद होती है उस तरह से उभार है, तो व्यक्ति कपड़े अच्छे पहनता है, खुद का प्रेजेंटेशन अच्छा होता है, गर्मी उसको पसंद नहीं आती, और अच्छी तरह से पैसा कमाते और अच्छी तरह खर्च भी करते हैं। ये सारे लाभ आपको प्राप्त हो रहे हैं, और लग्जरियस लाइफ जीने की लाइन भी है। इस तरह की लाइन होती है तो जीवन भर व्यक्ति गाड़ी घोड़े में घूमता है, जीवन भर, चाहे कितनी भी तकलीफ आ जाए,
व्यक्ति करोड़ों में माइनस में चला जाए तो भी अगर ये लाइन है तो आपके हाथ के नीचे कार तो रहती है, ये इतनी बेनिफिट दिलाती है लग्जरीज की। और बाकी शुक्र पर्वत काफी अच्छा है। अब आपकी हृदय रेखा को देखें तो एक लाइन यहां तक चली और ये उम्र तक, इस उम्र तक लगभग उम्र 38 तक या 40 तक आपकी एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेवल रखोगे, सिस्टम से चलने की सोचोगे, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होगी। हाँ, कमर्शियली आपको ये सफलता दिलाएगी पर पर्सनल लेवल पर ये लाइन आपको डिस्टर्ब करेगी। और एक उम्र लगभग वर्तमान समय से ही आपके जीवन में बदलाव आएगा और झुकाव करके, मंगल की ओर झुककर आपकी हृदय रेखा सीधी चल रही है। जब इस तरह की रेखा बनती है हृदय रेखा, तो वर्तमान समय से ही आपके मन में एक खलबली मची होगी। एक तो गुस्सा बढ़ गया होगा आपके मन में, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आता होगा क्योंकि मंगल की ओर देख रही है आपकी हृदय रेखा। दो चीज़ें आपकी हृदय रेखा दो चीज़ दिखा रही, एक तो 40 तक आपकी एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत ज़्यादा होगी और वर्तमान समय में आपकी एक्सपेक्टेशन तो साथ साथ में एक और स्वभाव डेवलप हुआ होगा जो गुस्सा दिला रहा है आपको, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आता होगा और ये जीवन भर रहेगा। और यहाँ से जब शनि पर्वत से शुरू होती है तो पैसे की लालच भी बढ़ जाती है व्यक्ति में। दूसरी चीज़ होती है कामुक भावना बढ़ती है और तीसरी कभी कभी व्यक्ति फिजिकल बनता है। और यहाँ पर छोटी छोटी लाइनें चल रही है, ये आप सगे संबंधियों को या मित्रों को हेल्प करोगे और वो पैसा वापस नहीं आएगा, ये सेवाभावी स्वभाव की ओर इशारा जाता है। बाकी हृदय रेखा अच्छी है, जीवन उत्तम रूप से जी पाओगे। अब माइंड लाइन को देखें तो कंप्लीट गुरु पर्वत से शुरू होकर चल रही है और ऐसे सीधी बहुत बड़ी रेखा है, तो व्यक्ति में बुद्धि चातुर्य अच्छा खासा रहता है और बुद्धि के बल पर विकास भी करता है। अब यहाँ पर मैंने सारे फोटोग्राफ में, क्योंकि यव साइन का निर्णय लेने के पहले बहुत चेक करना पड़ता है, अगर थोड़ा सा भी ओपन हो तो यव साइन नहीं होती। अब ये जो 28 से लेके, मैंने पीरियड शुरुआत में ही बताया था आपको, 28 से लेके 32 तक का पीरियड आपको ये यव साइन प्लस माइनस वन ईयर ये साइन आपको परेशान करेगी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आता है व्यक्ति के जीवन में, बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है जैसे सारी चीज़ें उल्टी पुल्टी चल रही है, रिकॉग्नाइज ही नहीं हो पाता व्यक्ति। हाँ, वर्तमान समय में आप जो पेन उठा रहे हो, ये जो राहु रेखा है इसने काटा और ये आपको माइंड लाइन पे कट कर रही है, ये वर्तमान समय में आपको इस लाइन के कारण तकलीफ उठा रहे हो और ये टेम्परेरी फेस है, ये आगे चलकर निकल जाएगा। पर आपको ओवरऑल देखा जाए तो 40-42 तक आपको किसी न किसी तरह तकलीफ उठानी है, किसी न किसी, क्योंकि आपके माइंड लाइन पर कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस है ही है, चाहे कट कर रही है लाइन, अभी हो सकता है आपको कोई कमर का दर्द भी आया हो छोटा मोटा 8-10 दिन का 12 दिन का, वो भी पॉसिबल है आपके जीवन में, उसके बाद भी कोई ना कोई एक कमर का दर्द आएगा आपको, यहाँ पे भी कट लग रहा है और ये एक यव साइन है और उसके बाद ये यव साइन नहीं है पर डबल रेखा साथ में चल रही है तो ये भी प्रेशर देती है। ये लगभग 42 साल तक का पीरियड आपका प्रेशर में रहेगा किसी न किसी रूप से, यव साइन बहुत डिस्टर्बेंस लाती है, डबल माइंड लाइन पर प्रेशर आता है, डिस्टर्बेंस नहीं आता, रिकॉग्निशन मिलता है और उसके बाद आपकी माइंड लाइन 42 के बाद काफ़ी उत्तम होकर ये सीधी चल रही है और काफ़ी बड़ी है तो बुद्धि चातुर्य काफ़ी अच्छा रहेगा। अब आपकी जीवन रेखा यहाँ पर देखें तो पहले ही हमने बता दिया है ये सीधी चंद्र पर्वत की ओर छू रही है, तो ऐसे लोगों का जन्मस्थल से दूर विकास होता है और दूसरा जन्मस्थल पर चले भी जाए तो व्यक्ति वहाँ पर अर्न नहीं कर पाता। अगर आपकी जीवन रेखा चंद्र पर्वत के आसपास भी छू रही है तो आप जहाँ जन्मस्थल होता है वहाँ पर आपसे ग्रोथ मिलेगा ही नहीं आपको, तो आपको परिवार से दूर, एक तो गुरु पर्वत भी लेकर जा रहा है और दूसरा
ये लाइन भी। दूसरी चीज देखे इसी में क्लोजअप में चलते, ये आपका क्लोजअप, क्लोजअप में देखे तो एक उम्र लगभग 28 के आसपास, और ये एक 20 के आसपास कोई ना कोई रुकावट आपको आई होगी। एक 28 के आसपास राहु रेखा काट रही है, एक 31 के आसपास काट रही है, एक 33 के आसपास काट रही है, और एक 37 के आसपास काट रही है, और 41 और 47 ये इतनी राहु रेखाएं आपको डिस्टर्ब कर रही है जीवन में। ये आपको परेशानी का कारण बनेगी, कोई ना कोई रुकावट, कोई ना कोई आर्थिक नुकसान आपके जीवन में जाएगा। और आपकी फेट लाइन को समझे तो यहाँ से चली, आप वर्तमान समय में आप यहाँ पर हो तो ऐसी कोई बड़ी तकलीफ नहीं दिख रही है, और यहाँ पर एक लाइन कट कर रही है, ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको थोड़ा सा खर्च कराएगी। ये खर्च होगा लगभग 25 के आसपास, आपको कोई ना कोई खर्च आएगा, ज़्यादा टेंस लेने की आवश्यकता नहीं। हाँ, इस पीरियड में हो सकता है आपको 4-6 महीने के लिए जॉब भी छूटे, और उसके बाद ये लाइन सीधी चलकर यहाँ चल रही है, और ये पीरियड आपके लिए वापस तकलीफ वाला आएगा। यहाँ पर सूजन है, और ये पीरियड होगा लगभग 38 से लेके 42 तक का। ये पीरियड आपको काफ़ी परेशान, 44 तक का ये आपको परेशानी का कारण बन सकता है ये पीरियड, क्योंकि यहाँ पर आपको फेट लाइन का साथ नहीं है। और उसके बाद यहाँ से एक और इनकम की रेखा बनेगी जो सूर्य पर्वत की ओर जा रही है, और यहाँ से एक और रेखा, और ये पीरियड लगभग नहीं तो भी 46 तक का आप समझ लो। आप यहाँ तक आपको 38 से लेके 46 तक आपको काफ़ी संकटों का सामना करना पड़ेगा, जब फेट लाइन पर इस तरह की लाली छाती है तो व्यक्ति के जीवन में खर्च का पैमाना काफ़ी बढ़ जाता है, काफ़ी। तो यहाँ पर खर्च का पैमाना काफ़ी बढ़ेगा, और उसके बाद 46 के बाद आपका जीवन उत्तम होते जाएगा। तो उतार चढ़ाव होते होते ऐसा नहीं है, देखने में आपका पाम काफ़ी अच्छा लग रहा है, पर ओवरऑल बीच बीच में रुकावटें भी है, तो उतार चढ़ाव आपके जीवन में रहेंगे, पर ओवरऑल काफ़ी बेनिफिट वाला पाम रहेगा, क्योंकि बहुत बड़ा मनी ट्रायंगल है और 3 अर्ध शुक्र वलय बने हुए, ये सारे पॉजिटिव साइन है। पर फिर भी तकलीफ तो जीवन में, कष्ट तो उठाना ही है। तो आशा रखता हूँ आपके सभी प्रश्नों का जवाब आपको मिल गया होगा, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।